सो इट इज़ 5:57 और आप भी हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं. सो दिस क्लास इज़ बेसिकली रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. एंड दिस इज़ द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम TIFR एंड अदर एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, मोस्ट ऑफ दीज आर गेट क्वेश्चंस एंड TIFR क्वेश्चंस, राइट. सम ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी, जो आपके नेट एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है. सो बट दे माइट बी ट्रिकी फॉर गेट, वो गेट के लिए रिक्वायर्ड होंगे. एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर सो डिफिकल्ट कि जो एग्जामिनेशन में गए हैं स्टूडेंट, शायद उन्होंने भी, काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर किया होगा. बट अगेन वी विल ट्राई एंड डू एवरीथिंग और एक एक करके वी विल ट्राई एंड सॉल्व. ठीक है, सो आई हैव ऑल्सो सेंट यू द फाइल एज वेल एज आई हैव ऑल्सो सेंट यू द सॉल्यूशंस ऑल्सो. मैं आपको सॉल्यूशंस भी पहले सेंड कर चुका हूँ. तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर्स को, बिकॉज आई बिलीव कि आप सभी ने इन सभी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लिया है. अच्छा, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली ट्राइड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, और इसमें से आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए. बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आप मुझे बताइए आपने कितने क्वेश्चंस को ट्राई किया है और इसमें से आपसे कितने क्वेश्चंस सॉल्व हुए हैं. हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस? 7 क्वेश्चंस सॉल्व, ओके. एंड व्हाट अबाउट अदर क्वेश्चंस? बाकी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए? व्हाट अबाउट साक्षी, नीतू, प्रियंका, सोनिया, आई थिंक यू सॉल्व 7 क्वेश्चंस, राइट? सो व्हाट अबाउट वंदना, हरप्रिया, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व? हरप्रिया सॉल्व 8 क्वेश्चंस, ओके. चलो वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि कैसे करना है. सो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइड शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, हाउ मेनी सब स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ इंक्लूसिव कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ करेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n. आपके पास एक लेंथ है, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ n है. आपको ये बताना है कि उसमें से सब स्ट्रिंग्स कितनी होंगी. ओके, सब स्ट्रिंग्स, दिस वर्ड सब स्ट्रिंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वाई सब स्ट्रिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज एक सीक्वेंस अलग होता है, सब स्ट्रिंग अलग होता है. समटाइम्स इन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन दे कैन आस्क कि इसमें से कितने ऐसे सीक्वेंस है विदाउट मीनिंग जो आप बन सकते हैं. लेट मी ऑल्सो गिव यू द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम. ठीक है, लेट अस अज्यूम वी हैव अ स्ट्रिंग. आप एक स्ट्रिंग देते हैं, मे बी आई कैन टेक अ स्ट्रिंग विच इज HIMU, हिमू. सो दिस इज अ स्ट्रिंग. ठीक है, अब इसमें से देर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल विद और विदाउट मीनिंग, राइट? हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल विद और विदाउट मीनिंग. ठीक है, इसमें भी दो केसेस हैं. द फर्स्ट केस इज व्हेन कैरेक्टर्स कैन बी रिपीटेड, कैरेक्टर्स कैन बी रिपीटेड. एंड सेकंड इज कैरेक्टर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कैरेक्टर्स कैन नॉट बी रिपीटेड. ओके, और यहां पर हम जो स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, सो लेट अस सपोज हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेंथ स्ट्रिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिनकी लेंथ 4 है जिसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल विद और विदाउट मीनिंग वेयर कैरेक्टर्स कैन बी रिपीटेड. सेकंड, कैरेक्टर्स कैन नॉट बी रिपीटेड. इन द सेम वे अब ये जो उसका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है कि आपके पास कितनी सब स्ट्रिंग्स बन सकती है, हाउ मेनी सब स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल. और थर्ड आपके पास केस आएगा यहाँ पर, हाउ मेनी सब सीक्वेंसेस आर पॉसिबल. ठीक है, तो ये सब कुछ अलग है, सब स्ट्रिंग अलग है, सब सीक्वेंस अलग है, और जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सभी अलग है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कैरेक्टर्स कैन बी रिपीटेड, तो अगर हम कैरेक्टर्स को रिपीट कर सकते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास 4 लेंथ की स्ट्रिंग है, 1, 2, 3 एंड 4. आप फर्स्ट पोजिशन पर चारों में से एक भी कैरेक्टर को डाल सकते हैं, सेकेंड में भी चारों में से एक को भी डाल सकते हैं, थर्ड में भी किसी को भी डाल सकते हैं, और फोर्थ में भी किसी को भी डाल सकते हैं. सो इट इज़ 4^4 विच इज़ इक्वल टू 256. तो आपके पास 256 स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, जहाँ पर 4 लेंथ स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, जहाँ पर कैरेक्टर्स को रिपीट किया जा सकता है. अब अगर मैं बोलता हूँ कैरेक्टर्स कैन नॉट बी रिपीटेड,
अगर करेक्टर्स कैन नॉट बी रिपीटेड है तो फर्स्ट केस में हमारे पास फोर चॉइसेस है, यहाँ पर तीन चॉइसेस है, यहाँ पर टू चॉइसेस है, यहाँ पर वन चॉइसेस हैं, तो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, सो दिस इज़ फोर फैक्टोरियल चॉइसेस, और जो फोर फैक्टोरियल है आई गेस इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24, तो 24 ऐसी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। लेकिन जब मैं सब स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि ऐसी स्ट्रिंग जो इसका सबसेट हो, राइट, लेकिन वो सभी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। जैसे इसकी सब स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती हैं, वी कैन हैव एच एज ए सब स्ट्रिंग, उसी तरीके से हमारे पास आई एक सब स्ट्रिंग हो सकती है, एम एक सब स्ट्रिंग हो सकती है, यू एक सब स्ट्रिंग हो सकती है, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव एच आई, ये भी एक सब स्ट्रिंग है, आई एम ये भी एक सब स्ट्रिंग है, एम यू ये भी एक सब स्ट्रिंग है, उसी तरीके से एच आई एम एक सब स्ट्रिंग है और आई एम यू भी एक सब स्ट्रिंग है, उसी तरीके से एच आई एम यू भी एक सब स्ट्रिंग है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये वो सभी सब स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 1 है, ये वो सब स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 2 है, ये वो सब स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 3 है, और ये वो सब स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 4 है। तो इस तरीके से हमारे पास सब स्ट्रिंग्स बन सकती है। लेकिन जब मैं सब सीक्वेंस की बात करूंगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब स्ट्रिंग एंड सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस में करेक्टर्स का कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि अब अगर मैं लेंथ 1 के सब सीक्वेंस की बात करूंगा तो कौन कौन से लेंथ 1 के सब सीक्वेंस है, एच आई एम यू एक लेंथ 1 का सब सीक्वेंस है। ऐसे ही लेंथ 2 के सब सीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एच आई एच एम एच यू आई एम आई यू राइट एंड एम यू, तो ये आपके पास लेंथ 2 के सब सीक्वेंसेज है। उसी तरीके से लेंथ 3 के सब सीक्वेंसेज कौन कौन से हो सकते हैं, वी कैन हैव एच आई एम, वी कैन हैव एच आई यू, वी कैन हैव एच एम यू, राइट, इस तरीके से ही वी कैन ऑल्सो हैव आई एम यू, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास लेंथ 3 के सब सीक्वेंसेज हो सकते हैं। ऐसे ही वी कैन ऑल्सो हैव सब सीक्वेंस ऑफ लेंथ 4 विच इज एच आई एम यू। तो सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंस में डिफरेंस होता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कंफ्यूज बिटवीन सबस्ट्रिंग एंड सबसीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज अ सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग होता क्या है, एंड नाउ वी नो कि इसमें से सबस्ट्रिंग ही इन्होंने पूछा है, इसमें से कितनी सबस्ट्रिंग्स यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, इतना क्लियर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, इज इट क्लियर सो फार, राइट। सो वी कैन ऑल्सो हैव अ सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, जो लेंथ 0 की सबस्ट्रिंग है दैट इज गोइंग टू एम्प्टी सेट, और यू कैन से 5। तो लेंथ 0 की कोई भी सबस्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, बट अगेन लेंथ 0 इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो अब यहाँ पर जो मैंने पूरी स्ट्रिंग ली थी इट इज ऑफ लेंथ 4, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग को W से रिप्रेजेंट करता हूँ सो लेंथ ऑफ W इज 4। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ W इज 4 तो हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स बनी है इन दिस केस, तो क्या होगा, हमारे पास लेंथ 0 की कितनी स्ट्रिंग्स बनी है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है हमारे पास लेंथ 0 की, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर 1। लेंथ 1 की कितनी स्ट्रिंग्स है यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4, देर आर 4 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1। लेंथ 2 की कितनी स्ट्रिंग्स है यहाँ पर, 1 2 3, देर आर 3 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। लेंथ 1 की लेंथ 3 की कितनी स्ट्रिंग्स हैं, देर आर 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। लेंथ 4 की कितनी स्ट्रिंग्स होंगी, देर इज ओनली 1 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4। तो इफ आई आस्क यू कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल, तो कितनी होगी, 1 + 4 + 3 + 2 + 1। सो ये उस केस में जब आपके पास 4 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 कैरेक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितनी होगी, 3 + 2 + 1 + 1, राइट, इन द सेम वे। सो टोटल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेट मी शो यू विद वन मोर एग्जाम्पल। लेट अस सपोज वी हैव एच आई एम ए एन, तो ये जो एक स्ट्रिंग है आपके पास W, और इसकी लेंथ कितनी है W की, द लेंथ इज 5। अब इसमें से सबसे पहले लेंथ 0 की सबस्ट्रिंग कौन कौन सी होगी, दैट इज एन एम्प्टी सेट, यानी कि एक ऐसी सबस्ट्रिंग पॉसिबल है जो कि लेंथ 0 की है। अब लेंथ 1 की सबस्ट्रिंग कौन कौन सी होगी, एच आई एम ए एंड एन, तो आपके पास 4 ऐसी सबस्ट्रिंग्स हैं जो कि लेंथ 1 की होगी। लेंथ 2 की सबस्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी, एच आई आई एम एम ए एन, तो लेंथ 2 की आपके पास 4 सबस्ट्रिंग्स हैं। लेंथ 3 की सबस्ट्रिंग्स कितनी होंगी, एच आई एम आई एम ए एम ए एन, तो ये अभी आपकी लेंथ 3 की सबस्ट्रिंग है। इन द सेम वे लेंथ 4 की सबस्ट्रिंग्स कितनी होंगी, एच आई एम ए आई एम ए एन, ये दोनों सबस्ट्रिंग्स आपकी लेंथ 4 की है,
और लेंथ 5 की सबस्ट्रिंग्स कितनी होगी, एच आई एम ए एन, तो आपके पास लेंथ 5 की सिर्फ एक ही सबस्ट्रिंग होगी. सो ऐड द नंबर, सो दिस इज़ 1 प्लस दिस इज़ 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सो 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, सो 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 प्लस 4 इज़ 8, 8 प्लस 3 इज़ 11, 11 प्लस 5 इज़ 16. तो आपके पास लेंथ 5 के केस में हमारे पास 16 सबस्ट्रिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है. सो अगर उसी तरीके से इफ आई आस्क यू कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है W जिसकी लेंथ N है, तो इसकी सबस्ट्रिंग्स कितनी होंगी, कितनी सबस्ट्रिंग्स होंगी इसकी, दैट इज़ 1 प्लस, तो ये वाला तो 1 आएगा ही, फिर N प्लस N माइनस 1 प्लस N माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन 1, जो आएगा आपके पास 1 प्लस N इंटू N प्लस 1 डिवाइड बाय 2. तो इतनी आपके पास सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है, N इंटू N प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1. अब इसको अगर मैं इसी फॉर्मूला में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो W की लेंथ यहाँ पर थी 5, तो अगर W की लेंथ यहाँ पर 5 थी तो इस केस में आएगा 1 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 20 बाय 2 विच इज़ आई गेस have I done everything correctly? Sorry. 1 plus, right, so this is 6, right? So 1 plus 30 by 2, which is equal to 2 plus 30 divided by 2, which is equal to 16. तो आपके पास यही exactly answer आएगा यहाँ पर, 16. तो इस तरीके से आप substrings निकाल सकते हैं. Clear? Okay, I believe it is not visible, so let me write it here. तो यहाँ पर आपके पास total length था, आपके पास 5 थी, so इसी के लिए हमारा जो formula बनेगा वो n into n plus 1 divide by 2 plus 1 आपका formula था. तो अगर आपके पास length 5 थी तो उस केस में 5 into 6 divide by 2 plus 1 which is equal to 32 by 2 which is equal to 16. तो आपके पास number of substrings यहाँ पर आएगी 16, right? तो ये जो formula है, using this formula you can also tell कि अगर आपके पास एक length n की string है तो उसकी कितनी substrings possible है. Clear? आई होप ये सभी के साथ क्लियर होगा. एंड दिस इज अ सॉल्यूशन जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस सॉल्यूशंस. ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चंस, आप में से कितने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 4.13? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व द क्वेश्चन 4.13 और किस किस से सॉल्व हो गया था? सो इन केस ऑफ 4.13, आई मीन 1.43, नॉट 4.13, सो दिस इज 1.43 1.4.3. तो यहाँ पर क्या आपके पास कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 ए's 5 बी's एंड 5 सी's कैन बी अरेंज्ड इन अ रो. तो आप इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं. सो अगर आप चेक करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कोई वर्ड था इंस्टीट्यूशन, INSTITUTION, तो इसके इसमें हमने चेक किया था इसकी कितनी इसकी कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, या फिर कहूँ कि कितने यूनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है, जहाँ पर जैसे आपके पास ये दो आई हैं तो दोनों के बीच आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या जो टी है टी के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन इज देयर. तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यू हैव 5 ए's, 5 ए's के बाद यू हैव 5 बी's एंड देन यू हैव 5 सी's, राइट. अब आपको बताना है इसको कितने वेज में हम अरेंज करें, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 15 कैरेक्टर्स. तो इन 15 कैरेक्टर्स को आप कितने वेज के अंदर अरेंज कर सकते हैं कि आप यूनिक परमिटेशंस इसकी बना पाए, राइट. तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास 15 है तो आप इसको 15 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ए जो है वो 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, बी जो है वो भी 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है इसलिए 5 फैक्टोरियल, सी जो है वो भी 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है इसलिए 5 फैक्टोरियल. सो इट इज 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल होल क्यूब. तो ये जो है आपका आंसर होगा, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर 11th क्लास मैथमेटिक्स. तो आपकी 11th क्लास मैथमेटिक्स से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके, सो आई बिलीव आप सभी इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा आप सभी ने. नाउ दिस इज अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लुक एट दिस क्वेश्चन एंड देन फिगर आउट, बिकॉज आई बिलीव कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, राइट. तो बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, इज देयर एनीवन हियर जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है? सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑन अ कैटलान नंबर,
तो आपके पास यहाँ पर जो कैटलान नंबर पे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कैटलान नंबर्स पे एक्चुअली आते हैं, इवन फ्रॉम ट्रीज आल्सो, ट्रीज में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कैटलान नंबर्स पर आते हैं. एंड सो यू इफ़ यू नो द एक्चुअल कि आपके पास क्या ऐसा पैटर्न है, अगर वो पैटर्न आपको पता हो देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पाएंगे. मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं वट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज सेइंग. दे आर सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस, बाइनरी स्ट्रिंग्स W ऑफ लेंथ 2n. हमें एक स्ट्रिंग निकालनी है W विच इज ऑफ लेंथ 2n, 2 इंटू एन, इन विच एन इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस, जिसमें आपके पास इक्वल नंबर ऑफ वन और जीरो हो सकते हैं. लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देखो 2n का मतलब क्या है, 2n मीन्स इट इज़ अ इवन लेंथ स्ट्रिंग, इट इज़ अ इवन लेंथ स्ट्रिंग. जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो इवन लेंथ होगी, ठीक है. यानी कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 हो सकती है, वो हो सकती है आपके पास 4, वो हो सकती है आपके पास 6, वो हो सकती है आपके पास 8, वो हो सकती है आपके पास 10 एंड सो ऑन. तो 2n देने का मतलब ये था कि आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी वो हमेशा इवन लेंथ की होगी. दूसरा, उस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वन एंड नंबर ऑफ जीरोस इक्वल होने चाहिए. जैसे कि अगर मैं लेंथ 4 की स्ट्रिंग लेता हूँ तो लेंथ 4 की स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती हैं, वी कैन हैव 0 0 0, आई मीन जहाँ पर नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ वन एंड नंबर ऑफ जीरोज जो हैं ये दोनों इक्वल है. कंडीशन तो है ना कि नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ वन शुड बी इक्वल. तो आपके पास हो सकता है 0011, आपके पास हो सकता है 0101, आपके पास हो सकता है 0110, आपके पास हो सकता है 1001, उसी तरीके से आपके पास हो सकता है 1100. सो और दूसरा आपके पास है 1010, राइट. तो हमें बेसिकली यहाँ पर देखा बताया क्या गया है कि आपके पास सबसे पहले तो ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जिनकी लेंथ 2n हो, यानी कि सभी स्ट्रिंग की लेंथ इवन होना चाहिए. दूसरा, स्ट्रिंग्स के अंदर नंबर ऑफ वन एंड नंबर ऑफ जीरो इक्वल होने चाहिए. अगर स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ जीरो इक्वल है तभी वो इस कैटेगरी को फुलफिल करेंगे. प्लस उसके बाद एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर आप W का कोई प्रीफिक्स लेते हैं, प्रीफिक्स, राइट. तो प्रीफिक्स जो भी आप लेंगे उसके अंदर एज लीस्ट एज मैनी जीरोज एज वन, यानी कि ये जो वर्ड एटलीस्ट है ये इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है कि जो भी प्रीफिक्स होगा, जो भी आपका प्रीफिक्स होगा उस प्रीफिक्स में नंबर ऑफ जीरोज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ वंस. तो जितने भी जीरोज हैं वो नंबर ऑफ वन से ज़्यादा होने चाहिए. एक बार फिर से समझो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग W ऑफ लेंथ 2n, यानी कि हमेशा इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स बताओ जहाँ पर उन सभी स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ जीरो इक्वल होना चाहिए. लेकिन साथ साथ में एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हम किसी भी स्ट्रिंग का अगर प्रीफिक्स फाइंड आउट करें तो उस प्रीफिक्स में नंबर ऑफ जीरो जो है वो नंबर ऑफ वन से हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए. दैट इज़ वाई दे हैव रिटन एट लीस्ट एज मैनी जीरोज एज वन. इतना क्लियर हुआ. अब मैं बताता हूँ इसमें प्रीफिक्स का मतलब क्या है. वट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स. जैसे कि अगर ये पहली स्ट्रिंग है आपके पास 0011, तो इसके प्रीफिक्स क्या पॉसिबल है. पहला इसका प्रीफिक्स पॉसिबल है 5, मतलब जो जिसकी कोई भी लेंथ नहीं होगी. दूसरा इसका प्रीफिक्स पॉसिबल है जहाँ पर आपके पास सिर्फ एक जीरो आएगा. तीसरा इसका प्रीफिक्स पॉसिबल है जहाँ पर आपके पास 00 आएगा. फोर्थ इसका प्रीफिक्स पॉसिबल है 001, तो ये एक प्रीफिक्स है इसका. उसी तरीके से इसका एक और प्रीफिक्स पॉसिबल है विच इज 0011. तो ये आपके प्रीफिक्स है. कितने प्रीफिक्स हैं यहाँ पर, हाउ मेनी प्रीफिक्स आर देयर, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. आपके पास 5 प्रीफिक्स पॉसिबल है फॉर लेंथ 4. अगर स्ट्रिंग की लेंथ 4 है तो उस केस में आपके 5 प्रीफिक्स पॉसिबल है. नाउ अब प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करनी है कि जितने भी आपके प्रीफिक्स पॉसिबल है, वट एवर द नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस आर देयर, उसमें हमेशा 0 1 से ज़्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट एज मैनी जीरोज एज वन. जैसे कि यहाँ पर आपके पास कोई 1 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर आपके पास एक 0 है लेकिन कोई 1 नहीं है, तो जो 0 है वो 1 से ज़्यादा है, नो इशू. उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी कोई 1 नहीं है लेकिन 2 0 है, नो इशूज, इट इज़ परफेक्टली फाइन. यहाँ पर भी कोई 1 है लेकिन नंबर ऑफ़ जीरो कितने हैं, 2. सो नंबर ऑफ़ जीरो आर मोर देन नंबर ऑफ़ 1.
सो इट इज़ ऑल्सो फाइन। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ़ वन भी टू है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी टू है, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, इट इज़ ऑल्सो परफेक्ट, करेक्ट। अब अगर मैं सेकेंड सिक्वेंस की बात करता हूँ, सेकेंड सिक्वेंस के आपके पास 0101, तो इस केस में इसके प्रीफिक्स कौन कौन से पॉसिबल हैं? एक प्रीफिक्स आपका सिंगल जीरो पॉसिबल है, दूसरा प्रीफिक्स 01 पॉसिबल है, तीसरा प्रीफिक्स 010 पॉसिबल है, और चौथा प्रीफिक्स 0101 पॉसिबल है, राइट। सो हमें एक सिंगल जीरो, एक फाइव भी एक प्रीफिक्स पॉसिबल है, यानी कि एम्प्टी सेट भी एक प्रीफिक्स पॉसिबल है। उसी तरीके से इफ़ आई टेक 0110, तो इस स्ट्रिंग में क्या है कि जो पहला प्रीफिक्स है वो होगा आपके पास फाइव, या फिर कहो एम्प्टी सेट, सेकेंड प्रीफिक्स होगा जीरो, थर्ड प्रीफिक्स होगा 01, फोर्थ प्रीफिक्स होगा 011, और फिफ्थ प्रीफिक्स होगा 0110। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स में नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो आपके पास वन है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही ज़ीरो है, लेकिन नंबर ऑफ वंस जो है आपके पास वो टू है, यहाँ पर आपके पास दो वंस हैं। तो यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो हमारे इस पैटर्न में नहीं आएगी, वो स्ट्रिंग उस पैटर्न में नहीं आएगी, राइट। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि हमारे पास लेंथ टू की स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, लेंथ फोर की स्ट्रिंग होना चाहिए, लेंथ सिक्स की स्ट्रिंग होना चाहिए, लेंथ एट की स्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन उन सभी स्ट्रिंग्स के अंदर ये जो पैटर्न है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये पैटर्न सेटिस्फाई होता है देन ओनली वी कैन से कि आपके पास वो स्ट्रिंग उस सेट के अंदर आएंगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पहला क्या है, क्वेश्चन का पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाट दे वांट टू से। अब जैसे कि मैं आपको एक फिर से एक पॉइंट समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास जो मिनिमम लेंथ है वो जीरो हो सकती है, सो वी कैन हैव डब्ल्यू ऑफ लेंथ जीरो, वी कैन हैव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन सॉरी टू, वी कैन हैव स्ट्रिंग ऑफ लेंथ फोर, और वी कैन से इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से लाइक दिस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, एन कैन बी जीरो, एन कैन बी वन, एन कैन बी टू, एन कैन बी थ्री, एन कैन बी फोर, एन कैन बी फाइव, एंड सो ऑन। अब अगर n की वैल्यू 0 है तो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 0, अगर n की वैल्यू 1 है तो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 4, अगर n की वैल्यू 3 है तो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 6, अगर n की वैल्यू 4 है तो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 8, अगर n की वैल्यू 5 है तो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 10, एंड सो ऑन, ठीक है। अब लेंथ 0 की कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी हमारे पास, कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी, विच इज़ 5। अब लेंथ टू की स्ट्रिंग कौन कौन सी पॉसिबल है जहाँ पर वन और जीरो इक्वल है, तो एक स्ट्रिंग पॉसिबल है आपके पास 01 और दूसरी स्ट्रिंग पॉसिबल है आपके पास 10। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो 01 है वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट होंगी, लेकिन 10 जो है वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, बिकॉज इसके जो प्रीफिक्स है, तो इसका प्रीफिक्स है 5, इसका प्रीफिक्स है 1 और इसका प्रीफिक्स है 10। तो ये जो प्रीफिक्स है 1, इस केस में नंबर ऑफ 0 आर लेस देन नंबर ऑफ 1, तो ये वाला प्रीफिक्स नहीं आएगा, लेकिन ये वाला इस केस में आ सकता है। उसी तरीके से जो लेंथ 4 की स्ट्रिंग है कौन कौन सी है आपके पास, 0011 या फिर 0101 या फिर 0110 या फिर 100110 या फिर 1010 या फिर 1001, तो आपके पास टोटल 6 यहाँ पर इसके प्रीफिक्स पॉसिबल हैं। तो ये जो है ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर आएगा, बिकॉज इसकी जितने भी सब स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि आपके पास सबसेट इसका 5 होगा, 0 होगा, आई मीन जो इसका प्रीफिक्स है 5 होगा, 0 होगा, 00 होगा, 001 होगा और 0011 होगा, सो इट इज़ परफेक्टली फाइन, ये हमारे पास सेट के अंदर आएगा। अब अगर मैं सेकंड को चेक करूँगा तो सेकंड में क्या है हमारे पास, 0101, तो यहाँ पर सबसेट कौन कौन से हैं इसके, 5, 0, 01, 010, 0101, सो इट इज़ ऑल्सो देयर, तो ये भी हमारे पास होगा। अब ये जो थर्ड केस है, तो यहाँ पर आपके पास सबसेट कौन कौन से हैं, 5, 0, 01, 011, 0110, तो ये आपके पास नहीं होगा। अब जो फोर्थ केस है ये भी नहीं होगा, जो फिफ्थ केस है ये भी नहीं होगा, और जो सिक्स्थ केस है ये भी नहीं होगा, तो जो भी वन से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो नहीं होंगे। तो अब आप चेक कर सकते हो, जब n की वैल्यू 0 है तो उस केस में आपके पास कुछ भी कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, विच इज़ लेंथ 0, राइट, करेक्ट। अब जब n की वैल्यू 1 है तो उस केस में आपके पास यहाँ पर 1 पॉसिबल है, जब n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, जब n की वैल्यू 2 हो जाती है तो उस केस में आप चेक करोगे तो 2 के केस में आपके पास 2 पॉसिबल है, ठीक है, तो 2 सच स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल। और जब n की वैल्यू 3 होगी यहाँ पर, तो हम बेसिकली 0 को हम इग्नोर करते हैं, जब n की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी तो 3 के केस में
आपके पास आई गेस देर विल बी फाइव सच स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल, पांच ऐसी स्ट्रिंग पॉसिबल है जो कि एन की वैल्यू थ्री के केस में हो सकती है। इन द सेम वे अगर आप इसको चाहो और भी एक्सटेंड करेंगे तो आप चेक करेंगे कि जो हमारा ये पैटर्न आ रहा है यहाँ पर, सो दिस पैटर्न इज़ बेसिकली कैटलैन पैटर्न, कैटलैन पैटर्न और कैन से कैटलैन नंबर, ठीक है। तो सब इस कैटलैन नंबर के अंदर पैटर्न क्या होता है, जो भी आपका कैटलैन नंबर होगा, कैटलैन नंबर्स हम इसको बोलते हैं। तो कैटलैन नंबर्स कौन कौन सी होती है, तो कैटलैन नंबर्स होती है आपके पास 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132 एंड सो ऑन। तो ये कैटलैन नंबर्स हैं। अब ये जितनी भी कैटलैन नंबर्स हैं ये बेसिकली एक पैटर्न है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कैटलैन नंबर्स का पैटर्न क्या होता है, और इसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है। अब उस फॉर्मूला को डिराइव करना आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही डिफिकल्ट है, आप उसको एग्जामिनेशन फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि कैटलैन नंबर्स क्या है, वो आपको देखना है कि अगर आपके किसी क्वेश्चन में कैटलैन नंबर्स वाला पैटर्न आ रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो विच इज़ 2nCn/n+1। तो ये आपका आंसर है 2nCn/n+1। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग है तो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो कैटलैन नंबर वाला पैटर्न है ये और किस किस क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, कैटलैन नंबर्स वाला पैटर्न है ये और किस किस क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, तो ये कैटेगरी वाइज होता है। लेट मी शो यू वन ऑफ द कैटेगरी। जैसे कि आपके पास पैरेंथेसिस होती है, राइट, तो आपके पास ये एक पैरेंथेसिस है, राइट, आपके पास एक ही पैरेंथेसिस है, या फिर अगर आपके पास दो पैरेंथेसिस हैं तो बैलेंस पैरेंथेसिस कैसे बन सकती हैं। तो या तो एक बार ये आपका एक बैलेंस पैरेंथेसिस वाला केस है, या फिर ये भी आपका एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस वाला केस है, राइट। अगर आपके पास तीन पैरेंथेसिस है तो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस कैसे बनेगी, तो आपके पास एक तो ये केस बन सकता है, उसी तरीके से आपके पास एक ये केस बन सकता है, राइट, उसी तरीके से आपके पास ये केस बन सकता है, इन द सेम वे यू कैन हैव दिस केस, ठीक है। और इसके अलावा भी केसेस पॉसिबल हैं, लेट मी फिगर आउट दिस, देयर इज वन मोर पैटर्न पॉसिबल, राइट, तो इसमें से एक और पॉसिबल है यहाँ पर, वी कैन हैव दिस 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 एंड दिस, तो आपके पास फाइव पैरेंथेसिस यहाँ पर बन सकती है। इन द सेम वे इफ़ यू हैव सिक्स, आई मीन फोर पैरेंथेसिस लाइक दिस, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जब मैंने बोला कि हमारे पास नंबर ऑफ पैरेंथेसिस आर वन, तो उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबल बैलेंस पैरेंथेसिस है। जब नंबर ऑफ पैरेंथेसिस आपकी टू होती है तो यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, जब नंबर ऑफ पैरेंथेसिस आपके पास थ्री होती है तो उस केस में आपके पास फाइव पॉसिबल केस बन सकते हैं, और जब आपके पास नंबर ऑफ पैरेंथेसिस आपके पास फोर होंगी तो उस केस में 14 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास ये कैटलैन नंबर्स वाला फॉर्मूला ही लगेगा, तो यहाँ पर भी आपके पास लगेगा 2nCn/n+1, तो यहाँ पर भी कैटलैन नंबर्स ही लगता है। तो कैटलैन नंबर होता क्या है कि कैटलैन नंबर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास कैटलैन नंबर का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पैटर्न पता होना चाहिए कि जो कैटलैन नंबर है एन की वैल्यूज़ के लिए कैटलैन पैटर्न है क्या। तो 0, 1, 2, 3 उसके लिए कैटलैन पैटर्न आपके पास ये है। आपको बस यहाँ तक ये पैटर्न याद होना चाहिए, फिर आप चेक करो अगर किसी क्वेश्चन में कैटलैन नंबर्स वाला ये पैटर्न बन रहा है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर मैं इसको प्रूफ कैसे करूँगा, फिर इस पैटर्न तक पहुँचना कैसे है। देखो, इस पैटर्न तक पहुँचना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा सो 90% ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट, आप में से कुछ लोग समझ में नहीं पाएंगे। मैं समझा सकता हूँ, ऑब्वियसली नो इश्यूज, आई कैन इजिली एक्सप्लेन इट, बट अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो कैटलैन पैटर्न्स के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, एक तो ये पैटर्न याद रखना है कि पैटर्न है क्या, और उसका फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको दोनों चीज़ पता है दैट इज़ मोर देन इनफ, क्लियर।